लेबर पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम आमदा में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बर्मिंघम के इलाके पहली बार में लेबर मुस्लिम फोरम का क़याम अमल में लाया गया है। शुएब राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह वेस्ट मिडलैंड में भी मेयर इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में बर्मिंघम के इलाके पहली बार में मुनाक़िदा तकरीब में बर्मिंघम लेबर पार्टी की लोकल क़यादत समेत लंदन से मुसलमान लेबर लीडर्स ने शिरकत की और नए लेबर मुस्लिम फोरम की बुनियाद रखी। इस फोरम का मकसद 2 मई को होने वाले मेयर इलेक्शन में बर्मिंघम और मिडलैंड में रहने वाले मुसलमान क़यादत को अपने इलाकों में लेबर के उम्मीदवार रिचर्ड पार्कर के लिए मुहिम तेज़ करने और मुसलमान इलाकों में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का यकीनी हल मुमकिन बनाना है। तकरीब का इनेकाद लेबर MP खालिद महमूद और उनकी टीम ने किया। तकरीब में लेबर पार्टी के मेयर उम्मीदवार रिचर्ड पार्कर और पुलिस कमिश्नर के उम्मीदवार सिमन ने खसूसी शिरकत की और तमाम मुसलमान कम्युनिटी से वोट की आमदा इलेक्शन में अहमियत पर रोशनी डाली। गुड इवनिंग, आई एम रिचर्ड पार्कर, आई एम लेबर्स कैंडिडेट इन द मेट्रो मेयर इलेक्शन इन द वेस्ट मिडलैंड्स ऑन द 2nd ऑफ मई। आई एम डिलाइटेड टू बी इन पेरी बार दिस इवनिंग सेलिब्रेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेबर मुस्लिम फोरम। We've had a great evening. We've talked about the campaigns and getting a Labour mayor and the Labour PCC elected in the West Midlands on the 2nd of May. If we work together, we can do that. Working with the Muslim community, we can deliver for Labour and for the people of the West Midlands. I'm in Birmingham today attending Labour Muslim Forum to support Richard and Simon for the mayor of Birmingham and for the police commissioner of Birmingham. Simon is sitting police commissioner of Birmingham and Richard is going to take over from Andy. So I think it is a good news, a lot of labor friends, a lot of colleagues here. We are going to support. Labor is at the moment best for the people of United Kingdom. Labor Muslim Forum will move forward in terms of working with all Muslim communities across the country and in the regions across the cities to develop strategies to deal with mental health issues, unemployment, even educated people with graduates who can't get jobs, whatever the issues are, we need to be part of the wider society and highlight them to the departments, not only at local level, regional level, but at national level as well through government departments. Aaj hum yahan ghathe hue hain, ek labor muslim forum ko launch kiya hai. इसका जो आइन है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि यहाँ बरतानिया में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो इश्यूज़ हैं म्यूनिसपैलिटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, उनको एड्रेस किया जाए। यहाँ हमारे बच्चों की तालीम जो है, यहाँ मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं, यहाँ जो मोर्टैलिटी की इश्यू हैं, वो सब तालीम की इश्यू हैं, जितनी भी इश्यूज़ हैं हमें डिस्कस नहीं कर रहे। हम चाहते हैं इसमें लोकल काउंसिल जो हमारे हैं वो भी इंगेज हों। हम चाहते हैं कि जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी इंगेज हो, पर इंगेजमेंट जो है वो ग्रास रूट्स कम्युनिटी से होनी चाहिए। कम्युनिटी से देखना चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पूरा करना है। आज हम यहाँ मुस्लिम लेबर फोरम की तरफ से यहाँ जमा हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी स्पीचेस हुई हैं, जहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है कि हमारी कम्युनिटी में किन किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मसलन उसमें हमारी सेहत हो गई, एजुकेशन हो गया, सेफ्टी हो गई, पुलिसिंग हो गई, हमारे यूथ को हम किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एज़ फ्रॉम अ मुस्लिम फोरम हम ये सारी चीज़ें एक जगह जमा होकर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कौन से तरीक़ों से हम अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर चल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में ज़रूर शामिल हों, इसे सपोर्ट करें, शुक्रिया। रिचर्ड पार्कर के मद्दे मुकाबल टोरी पार्टी के एंडी स्ट्रीट हैं, जो एक मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जाते हैं। अब देखना यह है कि मैदान भर में लेबर पार्टी को लोग ज्यादा वोट देते हैं या हुक्मरान जमात एक बार फिर बाजी ले जाती है। इसका फैसला 2 मई को ही होगा।